सज्जनों और देवियों, विगत दो दशकों से मेरा संपर्क जहां तक कार्यालयीन कार्यभार का प्रश्न है, देश के विभिन्न भागों में कार्यरत स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं से रहा है। अतएव आज इस गौरवपूर्ण मंच से संस्थाओं और उनके इर्द गिर्द की बातों पर अपने विचार केंद्रित करूंगा, जहां हिंदी शिक्षण एवं परीक्षा संचालन हिंदी प्रचार प्रसार के सर्वाधिक रचनात्मक कार्यक्रम हैं, वहीं हिंदी तर क्षेत्र में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज इन कार्यक्रमों के संचालन सहज सुगम नहीं रह गए बल्कि चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं परीक्षा के अतिरिक्त हिंदी वक्तव्य निबंध वाद विवाद के साथ साथ नाटक एकांकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी शिक्षकों प्रचारकों के लिए शिविर पुनश्चर्या कार्य शिविर पुरस्कार योजना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए जहां इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और परिणामी बनाने की आवश्यकता है, वहीं अन्य प्रभावी कार्यक्रमों की परिकल्पना करनी होगी। हिंदी शिक्षण परीक्षा संचालन और वातावरण निर्माण, इन तीनों के आनुपातिक और सफल आयोजन पर विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान अर्थात हिंदी बोलने पढ़ने एवं लिखने की दक्षता का पूरा दारोमदार टिका रहता है। आज जबकि बहुतेरे विद्यार्थी शिक्षक बनने की राह में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो हिंदी शिक्षक को योग्यता एवं दक्षता ऐसे ध्यान देने का विषय है जो राज्य के इतने सारे हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के स्थल के लिए निर्णायक पहलू है। यह नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी संस्था के लिए उनके प्रचारक ही आधारभूत परिसंपत्तियां होते हैं। प्रचारकों के सत प्रयास एवं सुकार्य से संस्था की जड़ें मजबूत होती हैं। वास्तव में हिंदी की प्रचार योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सभी संबंधित पक्षों के प्रयास के समन्वय से ही संभव है। संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रचारकगण, विद्यार्थी और अंत में किंतु कदापि कम नहीं सरकारी व्यस्तता के तालमेल पर इन सबके कार्यों के उचित समन्वय का प्रयत्न स्वस्थ दृष्टि से निरंतर जारी रहना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि जाने अनजाने दामन में दाग न लग जाए। भारत ग्रामों का देश है और अधिकांश भारतीय जनता ग्रामों में बसती है। नगरों और शहरों के नागरिकों को शिक्षा की कई सुविधाएं प्राप्त हैं, यूँ उन्हें हिंदी पढ़ने के यथेष्ट अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामवासियों को भी हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय गौरव की भाषा है। यह राष्ट्रभाषा राजभाषा घोषित तो हो चुकी है, किंतु अब तक इसे अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए जब तक शासन और जनता दोनों ओर से समवेत प्रयास नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। राष्ट्रभाषा से ही किसी राष्ट्र की भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति की जा सकती है। अपने देश की भाषा को छोड़ किसी अन्य विदेशी भाषा से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती है। महोदय, कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राष्ट्रीय एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है। कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी। इससे बड़का भ्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी की उपाधेयता को नकार नहीं रहा, किंतु हर जगह उसका वर्चस्व हो या स्वीकार नहीं हो सकता। किसी देश की भाषा के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं।
और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही सर्व सक्षम होती है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय गौरव आम जनता को दृष्टि में रखकर किया जाता था। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है करोड़ों भारतीयों की एकता, और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है, अंग्रेजी से नहीं। अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति मानसिक दासता की द्योतक है। यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी षड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक माखौल बनकर रह जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाएं तो सहोदराएं हैं, उनमें आपसी कोई विरोध नहीं है। उनका विरोध और संघर्ष तो अंग्रेजी के साथ है। जिस दिन क्षेत्रीय भाषाएं अपने क्षेत्र के शासन, न्याय, शिक्षा आदि में स्थापित हो जाएंगी, उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के स्थापित हो जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं अपने इस मूल उद्देश्य को कभी भी धूमिल होने ना दें, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। इस दृष्टि से मैसूर हिंदी प्रचार परिषद का यह कार्यक्रम श्लाघनीय है कि वह हिंदी के साथ कन्नड़तर जिज्ञासुओं के लिए कन्नड़ की प्रारंभिक और उच्चतम कक्षाएं एवं परीक्षाएं चला रही हैं। अपनी दैनंदिनी में भी हिंदी के साथ साथ कन्नड़ में दिन और तिथियां दी हैं। इस तरह के छोटे किंतु दिन दिन के व्यवहार में राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा साथ साथ गलबहियां डालकर चले, इससे बढ़कर सुखद स्थिति और क्या हो सकती है। और प्रिय स्नातकों, आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा। विगत महीनों और वर्षों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी प्रशिक्षण की परीक्षाएं दी हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। आपकी दीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आप समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाइए। भारतीय भाषा संस्कृति, उनकी रक्षा, उनका संवर्धन आपके हाथों सौंप दिया गया है। आप दायित्व का निर्वाह कर सकें, जीवन में सफलता पाएं, यही शुभकामना है। जिन्होंने हिंदी प्रवेश, हिंदी उत्तमा की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, वे और आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, यही आशा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की विभिन्न परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंत में इस गौरवपूर्ण मंच में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ।